الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم मोहतरम करम आज़म व महतशम नाजीन क्राम अल्लाम आलकमल वबरक अजी क्राम शिक्र बारी तला ये कुरान मजीद बुरहान रशीद का एक इंतहाई अहम और मुस्तिल मौजू है क़रन में अल्लाह दबारक बताली जल्लब अला जगह जगह पर इंसान से तक करता है कि मेरे एहसान पर मेरी ख़लाकियत पर मेरी शान करीमी पर मेरा शुक्र अदा करो लेकिन बड़ा अजब मामला है कुरान मजीद वुरहान रशीद में हुक्म हुआ इर्शाद हुआ फज कुरोनी तुम मेरा जिक्र करो वज़ कुरकुम बदले में मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा ये बड़ी अजीब व गरीब बात है मैंने पूरा कुरान पढ़ा और दीगर इल्हामी कुतुब अदियान का भी मुताला किया मुझे कहीं पर रब का ये अंदाज नज़र नहीं आया इसलिए कि मैं देखता हूँ कि बनी इसराइल के लिए कहा गया या बनी इसराइल इसरासकरु नमती अन तोम बी फल तो कुमालमीन ए बनी इसराइल मेरी नहमतों का जिक्र करो मेरे इनाम इकराम का जिक्र करो बदले में मैं क्या करूँगा नहमतों को बढ़ा दूँगा तुम्हें फजीलत आता फ़रमा दूँगा तुम्हें मैं सिलेक्टेड बना दूँगा मैं चोज़न कर लूँगा अपना मुंतखब किया हुआ बना लूँगा तो बड़ी अजीब गरीब बात है नाजन कराम अल्लाह तबारक वाले ने दीगर अकवाम को और दीगर उम्म को पिछली उम्मतों को ये कहा कि मेरी नमतों का जिक्र करो लेकिन गुलामा ने मुस्तफा की बारी आई तो फरमाया कि गुलामा ने मुस्तफ़ा तुम मेरी नमतों का जिक्र नहीं बल्कि उससे बढ़ कर नमत अदा करने वाले नमत अदा करने वाले तुम रब करीम का जिक्र करो और उसका फ़ायदा क्या होगा तुम फरशी पर रब का जिक्र करोगे वो अरश बरी पर तुम्हारा जिक्र करेगा और किस अंदाज़ से ज़िक्र करेगा फरमाया कि अगर तुम मुझे तन्हाई में याद करोगे तो मैं तुम्हें तन्हाई में याद करूँगा तुम मुझे किसी महफिल और मजलिस में याद करोगे तो मैं उससे बेहतर महफिल और मजलिस में फरिश्तों की मजलिस में तुम्हें याद करूँगा इसलिए कि जिक्र कमाना याद करना और फरमाया मन तकर्र बिन्नी शिबरा वमन तकर्रब तो मिन हु जरा आ वमन अतानी अतई तो हूँ हर वाला फरमाया कि अगर कोई मेरी जानब एक बालिश अगर बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी जानब बढ़ता हूँ और अगर कोई चल कर आता है तो मेरी रहमतें दौड़ कर उसे अपनी आगोश में समेट लेती हैं तो नाजी कराम अल्लाह तबारा को बताला नहीं यह करम ग़ुला ने मुस्तफ़ा पर आता फरमाया कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा अच्छा ज़िक्र शुक्र और कुफ़्र इसके जो मानी हैं ज़िक्र का माना याद करना शुक्र का माना है, है एतराफ़ करना और कुफ़्र का माना है इनकार करना अब अल्लाह तबारक का बताल ने ने हाथ पैर दिए अल्लाह ने देखने के लिए आंखें सुनने के लिए कान आता किए अल्लाह तबारक का ने महसूस करने के लिए सेंस ऑफ टच आता किया सेंस ऑफ स्मेल अता किया सेंस ऑफ ऑफ्रिकेशन आता फरमाया अल्लाह तबारक तारा ने सेंस ऑफ़ विजन आता फरमाया और अल्लाह तबारक वताल ने हमें शान तखयल आता फरमाया फरमायानी सोचने समझने की ताकत आता फरमाई इसलिए कि अल्लाह तबारक वे ने जिसको जो, जो बना दिया ना जिक्र वो वहीं पर राज़ी है मिसाल के तौर पर कभी आपने किसी मच्छर और मक्खी की सरगोशी सुनी कि उसने आपके कान में सरगोशी की हो अल्लाह की ना शुक्र की हो कि मुझे साहब मक्खी क्यों बना दिया मुझे मच्छर क्यों बना दिया कभी चींटी की सरगोशी सुनी आपने कि उसने कहा हो कि मुझे चींटी क्यों बना दिया नहीं सुनी आपने किसी आ, रेंगने वाले कीड़े से या साहब चलने वाले चौपाए से कभी सुना उसने कहा हो कि मुझे चौपाया क्यों बना दिया मुझे गाय क्यों बना दिया मुझे ऊँट क्यों बना दिया मुझे जानवर क्यों बना दिया नहीं साहब अल्लाह तुम्हारा को बता रहा ला माय फ़र सलूम हम कोई सवाल नहीं कर सकता हम लोगों से सवाल करेंगे हम पूछेंगे कि हमने ये कहा था तुमने कितनी हमारी मानी और कितनी अपनी मानी मन मानी की ये हम तुमसे सवाल करेंगे लिहाजा कोई अल्लाह की तख्लीक पर मतरज नहीं है कोई मोतरज नहीं कोई इतराज़ नहीं करता सब अल्लाह ने जिस काम पर लगा दिया वही काम कर रहे हैं लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हमें इंसान बनाया और इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या है ये दरख भी जानदार है अल्लाह ने जो ड्यूटी लगा दी वो वहीं पर है दरख़्त को अल्लाह तबारक व तआला ने जॉइंट्स नहीं दिए मूव होने की ताक़त नहीं दी लिहाजा तो वहीं पर ख़ुश है वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला उसको रोज़ी और रिज़्क़ अदा कर रहा है लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो सोचने की ताकत दी अक्ल इंसानी दुनिया के सारे जानवर सारे हशरातुल अर्स, सारी समंदर की मखलूक सारी खुशकी की मखलूक मिल जाए तो क्या इंसान बन सकती है नहीं बन सकती क्यों इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को जो अक्ल अता की है एक औसत दर्जे की अक्ल रखने वाला इंसान पूरी दुनिया की दीगर मखलूक सारी स्पेशस अल्लाह की सारी क्रिएचर्स मुख्तलिफ अनवा अकसाम की मिल जाए तो एक औसत दर्जे के अकल रखने वाले इंसान के कमाल और मर्तबे को नहीं पहुंच सकती ये अकल इंसानी शुरू इंसानी अल्लाह ने आता फरमाया तो क्या हमें रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए मैं तो समझता हूँ एक मुसलमान को ज़्यादा करना चाहिए इसलिए कि जो रब की जितनी मारिफत, जितनी पहचान रखता है उसे उतना ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि ए तेरा कितना बड़ा करम है कि तू मुझे मक्खी और मच्छर नहीं बनाया चूंटी नहीं बनाया रब तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने हमें जानवर बहाइम और चौपाया नहीं बनाया अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने हमें इंसानों में पैदा किया जानवरों में पैदा नहीं किया तूने हमें अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात में पैदा किया इंसानों में पैदा किया और रब तेरा सबसे बढ़कर करम यह है कि तूने हमें ग़लामा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा में पैदा किया वरना अगर ग़लामा ने मुस्तफ़ा ना होते ामी मुस्तफ़ा ना मिलती तो रब की पहचान और मारिफत किस तरह मिलती लिहाजा यहाँ पर फज कुरूनी अजकुरश्रूनी वाला तकफरून तीन ही चीज़ों को बता दें कि ए इंसान तो मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा ज़िक्र करूँगा और ए इंसान तो मेरे शुक्र का एतराफ़ कर शुक्र का माना एतराफ़ करना मेरी नमतों पर एतराफ़ करना मैंने तुझे इंसान बनाया अफजलशरफुलमखलूक़ात बनाया तो एतराफ़ करते रहना और वला तकफरून मेरी नमतों का इनकार ना करना जब हम कहते ना कि ये काफिर वो काफ़िर इसका मतलब है इनकार करना लिहाजा जो कलमा ना पढ़े हम उसे काफिर कहते हैं इसका मतलब है ये कलमे का इनकार करने वाला है कलमा पढ़ने वाला नहीं है लिहाजा कुफ्र के माने है इनकार करने वाला तो हमें अल्लाह की नमतों का इनकार करके कुफ्र नहीं करना चाहिए कुरान ने फिर कहा ल इन शकर तुम लजीदुम वन कफ़र तुम ना आजाबी लशदीद कि तुम मेरी नेमतों का एतराफ करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा लेकिन कुफरान कुफर करोगे कुर करोगेफर तुम अगर तुम इनकार करोगे तो फिर मैं आजाब शदीद नाजिल करूंगा तो नाजी इकराम जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपको इनाम इकराम अदा करता है और याद रखिए शुक्र की कैफियत अगर तारी रखना चाहते हैं तो दीन के मामले में उसको देखिए जो ऊपर वाला हो दुनिया के मामले में उसको देखिए जो नीचे वाला हो ऐसा करेंगे तो शुक्र की तोफ़ी मिल जाएगी दुनिया के मामले में उसको ना देखिए जिसका महल है उसको देखिए कि जिसके पास फकत एक झोंपड़ा है तो आप अपने अच्छे मकान पर रब का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ये तो झोपड़ा है मेरे पास तो अच्छा मकान है उसको मत देखिए जिसके पास खाने के लिए सौ किस्म के खाने रखे उसको देखिए जिसके पास खाने के लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा है तो आप रब का शुक्र अदा करने के लगेंगे उसको मत देखिए जिसके पास बहुत क़ीमती लिबास है उसको देखिए जिसके पास पहनने के लिए लिबास ही नहीं है तो आप रब का शुक्र अदा करेंगे दीन दुनिया के मामले में नीचे वाले को देखें, ऊपर वाले को देखें कभी शुक्र की तोफ़ीक़ नहीं मिलेगी दुनिया में नीचे वाले को ऊपर वाले को मत देखिए नीचे वाले को देखिए दीन के मामले में उसको देखिए उसको मत देखिए जो पंजगाना नमाजें पढ़ता है उसको देखिए जो तहजुद में भी बिस्तर छोड़कर रब के हुजूर रुकू सजूद करते हैं तो आप शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे उसको मत देखिए जो फ़कत रमज़ान के रोजे रखता है उसको देखिए जो रमज़ान के अलायाम बीत के तेरह चौदह पंद्रह महीने के अयाम में रोजे रखता है सो दाऊदी रखता है तो यकीन आप शुक्र गुज़ार बन जाएंगे तो नाजी इक्राम दीन के मामले में अपने ऊपर वाले को देखिए दुनिया के मामले में नीचे वाले को देखिए हम ना शिक्र इसलिए करते हैं हम उसको देखते हैं कि जिसका बच्चा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा है उसको नहीं देखते जिसके बच्चे के हाथ में किताब ही नहीं है तो हम दुनिया के मामले में ऊपर देखना शुरू करेंगे तो ना बन जाएंगे नीचे देखेंगे तो शुक्रगुजार बन जाएंगे दीन के मामले में ऊपर वाले को देखेंगे तो शुक्रगुजार बन जाएंगे उसको देखेंगे जो हफ़्ते में एक पढ़ता है तो कभी शुक्र की तोफ़ी नहीं मिलेगी कभी नमाज की तोफ़ी नहीं मिलेगी दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व बतारा ज़िंदगी के हर लम्हे अपना जिक्र और अपना शुक्र करने और शुक्र की फ़िक्र करने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन व आखर उदाबाया अनहमद रबीन